जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है बाती लगाने के बाद, उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया, कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज, कार्तिक महत्तम सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ, कौन सा पाठ, दुख दहन स्त्रोत का पाठ आप इन तीन वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन तीन वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा, दुख दान स्त्रोत का पाठ। शिव उपासना, सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प, देव दीपावली के दिन कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए, और पूजन कर कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प, सात दीप सुख देने वाली देव दीपावली। शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करिए, अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, पांच जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी,
तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो पांच दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पांचवा दिन होना चाहिए। ये पांच दिन जो पचवी गण के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये पांच जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये पांच जगह से जो अशांति आ रही है, तो पांच दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली, देव दीपावली के जो पांच दिन हैं, उन पांच दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज, सब लोग जाते हो, हर हर, पांच दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन पांच दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि पांच दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिवजी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। पांच दिन अगर आपने ये पांच दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है पांच स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति, मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई कुछ लेकर भग गया, कोई कुछ कर भग गया, उस शांति के लिए भी हमें मूल आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्त कमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। पांच दिन कार्तिक के महीने में पचवी गण में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के पांच देव हमारे पांच जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। देव दिवाली का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए।